जिस वार्ड में मरीजों के लिए 50 बिस्तरों की सुविधा हो और वहां 150 मरीज पहुंच जाएं, तो सोचिए उस वार्ड का क्या हाल होगा। इन दोनों ऐसी ही स्थिति में मंडी जिला का जोनल अस्पताल जूझ रहा है। यहां मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही है और पैदल चलने की जगह सिकुड़ती जा रही है। जोनल अस्पताल मंडी का गायनी वार्ड इन दिनों पूरी तरह से ओवरलोड चल रहा है। रोजाना गर्भवती महिलाओं के आने का सिलसिला जारी है और इन गर्भवती महिलाओं को जमीन पर लेटकर प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ रही है। ओवरलोडिंग का कारण कुल्लू जिला से यहां भेजी जा रही गर्भवती महिलाएं हैं। कुल्लू जिला में स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने के चलते वहां से महिलाओं को प्रसव के लिए मंडी के जोनल हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। मंडी जिला में भी सिर्फ जोनल अस्पताल में ही स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद है, जबकि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले इस जिला के दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों में स्त्री रोग विशेषज्ञों के पद खाली चल रहे हैं, जिससे समस्या बढ़ती जा रही है। कुल्लू जिला से आई महिलाओं ने बताया कि यहां उन्हें परेशानियां बेशक झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन डॉक्टरों का इलाज जरूर मिल रहा है। महिलाओं ने राज्य सरकार से कुल्लू जिला में स्त्री रोग विशेषज्ञों को तैनात करने की मांग उठाई है, ताकि उन्हें प्रसव करवाने के लिए इतनी दूर आकर परेशानियां न झेलनी पड़े। अब बेड का क्या करना, अब इतने मरीज जहाँ से आए अब बेड का तो इतना होना, इन्होंने क्या करना, इतने बेड है कमरे में। अब इतने कुल्लू से आया इतने मरीज, वो तो रहने पड़ेंगे ना, थोड़े बाहर भी रहेंगे। हॉस्पिटल की सुविधा तो ठीक है, अब कुल्लू में हॉस्पिटल में है नहीं डॉक्टर, अब क्या करना है, यहाँ है ठीक। 4 दिन हो गए बंजार से हमारे को यहाँ पे, मतलब ये क्या है बोला है मंडी हॉस्पिटल जाना अपने, फिर ये इन्होंने बोला अब हो गया इतना ही, अब घर ये कर दिया डिस्चार्ज हमारे को। यहाँ पे 4 दिनों से आप कहाँ रह रहे हैं? यहीं पे देखो जमीन पर, कोई बेड नहीं मिला यहाँ पे, जमीन पे ही रह रहे। एक तो खुद से ही पीड़ा हो रही, डॉक्टरों की वैसे भी कोई कमी नहीं है ना यहाँ पे, पेशेंट है ना बहुत ज्यादा, कंट्रोल नहीं हो पा रहे।